भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा भारत का दुनिया भर में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने कड़ी मेहनत के बाद इसका मसौदा तैयार किया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिश पर मशहूर कैलीग्राफर ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसे अपने हाथों से लिख कर तैयार किया। महान पेंटर नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने इस पर खूबसूरत पेंटिंग भी उकेरी। इतनी कड़ी मेहनत के बाद संविधान की मूल प्रति किसी महान कलाकृति सी तैयार हो गई, मगर वक्त की मार से इसे बचा कर रखना एक बड़ी चुनौती था। इसलिए इस खास प्रति की सुरक्षा के लिए खास तरीका अपनाया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित रखने के लिए हीलियम गैस चेंबर में रखा गया है। संविधान की मूल प्रति को एक खास कपड़े में लपेट कर नेफ्थलीन बॉल सफेद रंग की फिनाइल की गोलियों के साथ रखा गया है। हीलियम गैस चेंबर में क्यों रखा गया? हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस हीलियम ही है। इस गैस का कोई रंग नहीं होता और ना ही इसे आग लग सकती है। वातावरण में चाहे तापमान कैसा भी हो यह बनी रहती है। विमान के टायरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। मौसम की जानकारी लेने के लिए इसी गैस को गुब्बारे में भरकर आसमान में छोड़ा जाता है। 1994 में वैज्ञानिक विधि से तैयार किया चेंबर। संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित करने के लिए काफी अध्ययन किया गया। ये देखा गया कि बाकी देशों ने अपने संविधान की सुरक्षा कैसे की है। पता चला कि अमेरिका का संविधान सबसे सुरक्षित वातावरण में रखा गया है। अमेरिकी संविधान को वॉशिंगटन स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हीलियम गैस के चेंबर में रखा गया है। यह एक पृष्ठ का है। इसके बाद अमेरिका के गेटी इंस्टीट्यूट, भारत की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और भारतीय संसद के बीच करार के बाद गैस चेंबर बनाने की पहल हुई। 1994 में संसद भवन के पुस्तकालय में वैज्ञानिक विधि से खास चेंबर तैयार किया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति 40-50% नाइट्रोजन गैस वाले वातावरण में रखा गया है और यहाँ ऑक्सीजन 1% भी कम है। इस कागज की सुरक्षा के लिए ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता थी जो इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव हो। हर साल संविधान की मूल प्रति की सेहत की जांच होती है। हर साल चेंबर की गैस खाली की जाती है। CCTV कैमरे में इस पर लगातार निगरानी रहती है। काली स्याही से लिखी है मूल प्रति। भारतीय संविधान काली स्याही से लिखा है, इसलिए इसके उड़ने का खतरा बना रहता है। इसे बचाने के लिए आर्द्रता 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत होती है। इसलिए चेंबर ऐसा बनाया गया जिसमें हवा ना जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।